सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मौलाना अब्दुर्रहमान, मुस्लिम धर्मगुरु। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज ही बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। आज का शो बड़ी अहमियत का काबिल है, जो हमें और आपको सुनना चाहिए। एक ऐसी विषय के आज नफ़रतों की बाजार गर्म है, और इसमें एक दूसरा नफ़रतों के आड़ में जल रहा है, और हिंदू मुस्लिम और दिगर और तरह की बातें की जा रही है। प्रिय दर्शकों, अगर कोई भी धर्म का फॉलोअर्स अपने धर्म की पुस्तक को सही तौर से पढ़ता है, तो उसके धर्म की पुस्तक उसे ये तालीम देती है कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में मिल करके रहना चाहिए, यानी मोहब्बत की, अमन और भाईचारगी की तालीम देता है, शिक्षा देता है। आइए, मैं मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते अल्लाह सुबहान व ताला के पवित्र कुरान से एक आयत करीमा सूरतुन निसा की आयत नंबर 36 पढ़ता हूँ, और फिर उससे मैं व्याख्या करता हूँ आपके सामने कि कुरान क्या कहता है, हमें और आपको वो सुनना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैयं वबिल वालिदैन इहसाना وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا। इस आयत करीमा के अंदर 10 अधिकार पूरे बतलाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार जगत के स्वामी, रचयिता और रचनाकार अल्लाह तबारक व ताला ही की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। उसके बाद ये कहा गया, ये अधिकार बतलाया गया कि माता पिता जो दुनिया में हमारे आने के सबब बने हैं, उस माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उसके बाद ये बयान किया गया वल जारी दिल कुर्बा, जो है रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक किया जाए। रिश्तेदारों में अब आपके सारे रिश्तेदार आ गए, भाई, बहन, खाला, मामू, फूफा, फूफी और सारे रिश्तेदार जो आपके हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि वबिदिल कुर्बा वल यतामा, अनाथों के साथ। अनाथ उसे कहा जाता है जिनके पिता बचपन ही में इंतकाल कर जाएं, जिनका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, तो उन अनाथों के साथ भी बेहतरीन सलूक किया जाए, यानी उनकी देख रेख की जाए, उनकी सही तौर से ये जिम्मेदारी बनती है कि जो है पालन पोषण लोग करें। उसके बाद वल मिस्कीन, और ये मिस्कीन के साथ भी बेहतरीन सलूक किया जाए। उसके बाद ये कहा गया कि तुम पड़ोसी चाहे मुसलमान हो, यानी वल जारी दिल कुर्बा, ये कहा गया कि पड़ोसी हमारा मुसलमान हो, मुसलमान पड़ोसी हो, तो उसके साथ भी बेहतर सलूक किया जाए। वल जारिल जुनुब, या पड़ोसी हमारा गैर मुस्लिम हो, यानी नान मुस्लिम हो, यानी नान मुस्लिम में चाहे हमारे हिंदू भाई हो, या इसी तरीके से जो है कोई भी भाई हो, जैन हो, बुद्ध मज़हब के मानने वाले हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म की कोई यहाँ पर बाध नहीं है, कैद नहीं की गई है, बल्कि कोई भी हमारा नान मुस्लिम पड़ोसी है, तो कुरान कहता है कि जो है उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। उसके बाद ये बयान किया गया कि जो है अपने पहलू के साथी के साथ, पहलू का साथी, यानी हम सफ़र में हैं, हमारे सीट के सामने, मान लीजिए हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं,
हमारे सामने हो या हमारे साथ में हमारे बगल में बैठा हुआ कोई भी शख्स हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, यानी उनके साथ भी कुरान कहता है अच्छा व्यवहार किया जाए। यही कुरान की शिक्षा है, अच्छी तालीम की बात कही जा रही है कि उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए। तो अब बताइए इतनी बेहतरीन बात। उसके बाद आगे बयान किया गया के वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे मातहत जो नौकर चाकर हैं, यानी जो तुम्हारे मातहत काम करने वाले हैं, जैसे आप मालिक हैं एक कंपनी के, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कुरान कहता है कि उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए। और इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह सुबहानहु व तआला तकब्बुर करने वाले को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। प्रिय दर्शकों, मैं समझता हूँ कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि कुरान की शिक्षा ये है कि चाहे हमारा पड़ोसी मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार और सुलूक किया जाए। पड़ोसी होने के नाते उसके अधिकार बनते हैं, या जैसे भी आप जहां भी हों उनके साथ भी अच्छा सुलूक किया जाए। यही कुरान की शिक्षा, यही तालीम है। बस इतनी सी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बस आज के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को जय हिंद।